तो आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सबसे इंटरेस्टिंग है। तो पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इतना बड़ा है, और स्कूल में, आपके स्कूल में पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट इतना सा बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? राम ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाय राम, दैट्स इट, इतना ही बताते हैं आपको। जबकि एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस नहीं होता, दिस इज द रबिश, ये कूड़ा है। और आपको यही चीज करवाई जाती है, राम ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाय राम, ही प्लेज हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाय हिम। नहीं, ये नहीं होता एक्चुअल में पैसिव वॉइस कॉन्सेप्ट, वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी देखने के बाद पता चलेगा एक्चुअल में पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इससे पहले जो हमने टेंसेस किए थे उन्हें एक्टिव वॉइस बोलते हैं, इन्हें पैसिव वॉइस बोलते हैं, और ये टोटल 8 होते हैं। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, 4 इसमें नहीं होते, एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता, दूसरा लास्ट के जो 3 हैं हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये नहीं होते। बाकी जो उनमें नेम है, प्रेजेंट डेफिनेट पास्ट, उनमें इनमें भी सेम नेम है, उनमें जो हिंदी की पहचान है इसमें भी पहचान है सेम, तो ये सेम रहेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस एक्चुअल में होता क्या है? पैसिव वॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारा एक्टिव वॉइस से काम नहीं चल सकता था? जैसे अगर स्कूल में आप ये पढ़ाते हैं, राम ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाय राम, कि राम के द्वारा आम खाया जाता है, क्या हम हिंदी में, पंजाबी में अपनी लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं? और हम क्यों बोले राम के द्वारा आम खाया जाता है, हम सीधा बोलेंगे राम आम खाता है। तो कंसेप्ट ही बिल्कुल छोटा सा बना दिया है स्कूल में, जबकि कंसेप्ट ये है। स्टार्ट करते हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या। आप ध्यान से देखिए, सेंटेंस है राम आम खाता है, वर्ब कौन सा है इसमें? खाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आम और सब्जेक्ट राम, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं राम काट देता हूं, अब हमारे पास सेंटेंस नया आएगा, आम खाता है, वर्ब कौन सा है? खाता है, सब्जेक्ट आम। अब कई बच्चे से ऑब्जेक्ट बोलेंगे, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे आम सब्जेक्ट है। क्यों? खाने का काम कौन कर रहा है? आम कर रहा है जी, आम सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम ये बताना चाहे कि ये खाने की क्रिया आम कर नहीं रहा, आम के ऊपर हो रही है, तो हिंदी में कैसे बोलेंगे? तब हिंदी में हम बोलेंगे आम खाया जाता है। यह है आपका पैसिव वॉइस। जाता है पैसिव वॉइस की हिंदी में पहचान है, उसकी इंग्लिश कभी नहीं बनती। मेन आपका वर्ब यह है। अब सबसे मेन बात, क्यों कह रहा था कि स्कूल में कंसेप्ट इतना सा है जबकि इतना बड़ा कंसेप्ट होता है? आपने कभी सोचा कि आप हिंदी लैंग्वेज में, या आपकी कोई भी लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, या आपकी देसी बागड़ी भाषा या हरियाणवी भाषा के अंदर पैसिव वॉइस में आके आप बोलते हो? हाँ हम बोलते हैं। कब बोलते हैं? सबसे पहले नंबर एक, जब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता तब हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं हिंदी के अंदर। कैसे? उनकी स्कूटी चोरी हो गई, चोरी करने वाला कौन है? पता नहीं। फलाने के भाई को पीट दिया गया, पीटने वाला कौन है? पता नहीं। या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, सर मेरी कार उठा ली गई, उठाने वाला कौन है? पता नहीं। पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं हम, तब हम पैसिव वॉइस में ही बोल रहे होते हैं। नंबर टू, जब वर्ब पे मेन स्ट्रेस होता है, मेन स्ट्रेस जब हमारा बोलने वाले का वर्ब पे होता है, करने वाला कौन है हमें कोई मतलब नहीं होता, तब भी पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं। जैसे आप घर पहुंचो स्कूल से, मम्मी से पूछो मम्मी लाइट नहीं है, आपकी मम्मी क्या बोलेगी? लाइट ठीक की जा रही है, करने वाला कौन हमें पता है लेकिन हम उसको बोलते नहीं। या हमारे शहर में इस बाजार से लेके उस बाजार तक सड़क बनाई जा रही है, बनाने वाला कौन हमें पता, हम बात ही नहीं करते। मेन तो हमें वर्ब के ऊपर ही होता है। जैसे लॉकडाउन लग गया, अरे वहाँ पे राशन बांटा जा रहा है, तो राशन बांटने में जो रहे बांटने वाला कौन है हमें कोई मतलब नहीं, तब हम हमेशा पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं। नंबर तीन, जब ऑब्जेक्ट में मेन स्ट्रेस होता है तब भी पैसिव वॉइस में बोलते हैं हम। जैसे सबसे ज्यादा पैसिव वॉइस आपका इसमें आता है साइंस में, कि ये किया जाता है, इसे उससे उठाया जाता है, सुप्रीम लैम्प जलाया जाता है, या कुकरी शो आते हैं, कुकरी शो,
उसमें भी हमेशा पैसिवाइज बोलते हैं, कुकरी शो वॉक शो होते हैं जिसमें आपको खाना बनाना सिखाया जाता है। तो जैसे आपको कोई चाय बनाना सिखा रहा है तो क्या गया, पतीला रखा जाता है, पानी डाला जाता है, चाय पत्ती उबाली जाती है, फिर उसमें दूध डाला जाता है, शक्कर डाली जाती है, फिर चाय को उबलने दिया जाता है, फिर चाय बनने के बाद चाय को उतारा जाता है, इसे छाना जाता है। कोई भी कुकरी शो आ जाए सारा पैसिव वाइज में ही होता है। तो इन तीन वजहों से हमें पैसिव वाइज की जरूरत पड़ी है। और हम हिंदी में, पंजाबी में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में, सभी भाषा में पैसिव वाइज में ही बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि पैसिव वाइज कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है जबकि इतना नहीं होता। दूसरा एक बात याद रखना, कभी भी पैसिव वाइज में गो और कम का पैसिव वाइज आपने नहीं बनाना है, क्योंकि पैसिव कभी भी गो और कम का पैसिव वाइज नहीं बनता है, बिकॉज दीज आर प्योर इंट्रांसिटिव। जब मैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब का चैप्टर सिखाऊंगा आपको, तब देखना, तब आपको पता चलेगा कि गो और कम का पैसिव वाइज नहीं बनता। अगर कोई आपसे पूछे राम गोज टू स्कूल, पैसिव वाइज बनाओ, तो मत बना देना स्कूल इज गोन बाय राम। बहुत इंग्लिश मीडियम के बच्चे, स्टूडेंट, टीचर भी बना देते थे, तो ये रॉन्ग है, द स्कूल इज गोन बाय राम, बिकॉज पैसिव वाइज में गो और कम आर नॉट यूज्ड, ये याद रखना। अब हम पहला पैसिव वाइज करते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। और आज आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि रियल में पैसिव वाइज होता ही क्या है। तो पहला पैसिव वाइज करते हैं जिसका फर्स्ट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। पहचान सेम रहेगी, ता है, ते है और ती है। और इसका फर्स्ट जो है अफर्मेटिव, कैसे बनेगा? अब क्योंकि ऑब्जेक्ट पे मेन स्ट्रेस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वाइज। तो जैसे आम खाया जाता है, क्या बनेगा? मैंगो इज ईटन, दैट्स इट। आपने बाय वगैरह कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बाय बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। 0.1% कोई लगाए तो लगाए, बाकी 99.9% बाय नहीं लगाया जाता। आप आपकी अपनी साइंस की बुक भी उठा के देख सकते हो, सारे के सारा पैसिव वाइज में होता है। ये प्रयोग किया जाता है, ऐसे किया जाता है, वैसे कि सारा का सारा पैसिव वाइज है। इसलिए बाय प्लीज भूल के मत लगाना। वो आपके 3 मार्क्स में जो स्कूल में सिखाते ना, राम इट्स फूड, फूड इज डन बाय राम, बस 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के आते, बस वहाँ पे, दैट्स इट। लेकिन हमने वो नहीं सीखना, हमने पूरा बड़ा कंसेप्ट सीखना है। सेकंड है नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे नहीं पढ़ाया जाता है तो क्या बनेगी? आई एम नॉट टॉट। थर्ड है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि किसी टेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसका एलपी और बाहर निकालना है, तो इज एम आर पहले आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, क्या उन्हें सजा दी जाती है? पैसिव वाइज की हिंदी में जाता है, गया, जरूर आएगा, लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं बनती, ये ध्यान रखना, ये पैसिव वाइज की पहचान है। तो क्या हमने आर दे पनिश्ड, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, नेक्स्ट करेंगे हम इसका फिर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फोर्थ रूल, अब हम करेंगे फोर्थ रूल, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म, क्या पेन नहीं
बेचा जाता है तो क्या बनेगी, इज पेन नॉट सोल्ड। फिफ्थ है इंटरोगेटिव एडवर्ब। हमें पता है कि किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव एडवर्ब बनाना है WH के बाद थर्ड रूल सारा लिखना है, WH प्लस इज एम आर ऑब्जेक्ट वो आपकी थर्ड फॉर्म। उसे घर क्यों भेजा जाता है तो क्या बनेगी, वाई इज ही सेंट, सेंट भेजना सेंट टू हाउस। सिक्स्थ है इंटरोगेटिव नेगेटिव एडवर्ब, डब्ल्यू एच के बाद फोर्थ रूल सारा लिख दो, इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। छात्रों को कब नहीं पढ़ाया जाता है, जाता है पैसिव वॉइस की पहचान है हिंदी में, इसकी इंग्लिश नहीं बनती है याद रखना। When are students not taught? तो अब आपको पता चला कि पैसिव वॉइस का कंसेप्ट वाक्य में कितना बड़ा होता है और स्कूल में बिल्कुल छोटा सा बना के आपको पेश किया कर दिया जाता है। और आप भी क्या सोचते हैं कि पैसिव वॉइस करने का यही तरीका है, नहीं, पैसिव वॉइस करने का यही तरीका है। अब आपको मैं इसके साथ सेंटेंसेस भी दे दूंगा आपको हिंदी में, इसको ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, तब जाके आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो नेक्स्ट डे कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टेंस के साथ पैसिव वॉइस में, तब तक के लिए प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। 16-17 वीडियो हुए हैं ये, अगर 17 डेज इकट्ठे भी आप करो धीरे धीरे स्लो स्लो चल के तो 17 दिन के अंदर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और सीख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू यू।